हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में अडानी टोटल गैस लिमिटेड को लेकर के। एनएसई पर ऐसा कोड ATGL देखने को हमें मिलता है। करंट प्राइस की बात करें तो 661 रुपये इसकी करंट प्राइस चल रही है और आज रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी भी देखने को मिली। स्टॉक ऊपर भी गया नीचे भी गया, तो रिजल्ट देखा जाए तो ओके ओके टाइप के रिजल्ट है ना, बहुत अच्छे हैं। हालांकि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे स्टॉक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 50% के आसपास की ग्रोथ जरूर दिखाई है। तो सीधे चलेंगे इसके फंडामेंटल पे, क्वार्टर वन के रिजल्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग देखने वाले हैं, और इसके बाद देखेंगे इसके टेक्निकल पार्ट में कि टेक्निकल पार्ट में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, टारगेट्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के, मिड टर्म के, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो अडानी टोटल गैस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेक्निकल पार्ट को। पर सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल पार्ट को। तो अडानी टोटल गैस का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 72,800 यानी 73,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक पी 130 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी की देखा जाए तो सिर्फ 15.4 है। तो स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में इसको हम लोग डाल सकते हैं। डेट देखा जाए तो 1422 करोड़ का, यानी डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.5 से कम है, तो ये ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 75% की है तो इसको भी ठीक मानते हैं। इंटरेस्टिंग वैल्यू 126 की, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग 75% से ऊपर हो भी नहीं सकती है। हाई लो की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पर नहीं, मतलब 52 वीक के लो पर है, और काफी हद तक अगर दोनों हाई और लो में देखा जाए तो, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी टोटल गैस और अब जिसका नाम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो गया, अडानी ट्रांसमिशन का नाम बदल के एनर्जी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो गया है, तो उसमें दोनों में स्टॉकों में हैवी डेंट पड़ा है। बाकी स्टॉक तो रिकवर कर गए, लेकिन अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन बोल लो या फिर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन बोल लो, दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी अपने लो पॉइंट पर ही ट्रेड कर रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए इसकी ग्रोथ वगैरह देखा जाए और सब चीजें तो ठीक है। बाकी अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाए तो सिर्फ 1,000 करोड़ की कंपनी क्वार्टरली सेल्स करती है, अगर साल का देखा जाए तो 4,000 करोड़ के आसपास की सेल्स करती है, और मार्केट कैप देखोगे तो उसे 72,000 देते हैं। इसलिए हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है, और इसकी अगर सेल्स देखा जाए तो 98 करोड़ से बढ़कर के 150 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर देखोगे तो ठीक है, सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 150 करोड़, 50% के आसपास की ग्रोथ जरूर देखने को मिल रही है। बाकी अगर और इनके सबसे अच्छी बात है, मार्जिन भी अच्छे खासे इस बार निकल के आए, 23% के आसपास के 23% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आए हैं, तो यहाँ से ठीक लग रहा है। लेकिन अगर एक साल पहले देखोगे तो एक साल पहले से भी ग्रोथ इनकी ठीक निकल के आ रही है, ओवरऑल ठीक है। ये तो फैक्टर हो चुके हैं, तो अभी इसको फैक्टर होना भी बाकी है। ये सारी चीजें, बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट ठीक है, 2800 करोड़ के आसपास का इनकी अभी भी रिजर्व अवेलेबल है। बाकी अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़ा कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। जहाँ अडानी की ग्रुप ने अपने अन्य शेयरों में काफी बिकवाली की है, वहीं अडानी टोटल गैस में इनको कोई बिकवाली देखने को हमें नहीं मिली। FII का देखा जाए तो FII ने अच्छा खासा स्टेक यहाँ से सेल किया है, और DII का देखा जाए तो DII लगभग लगभग कॉन्स्टेंट है, और अगर 3 क्वार्टरों में देखा जाए तो DII ने अपने स्टेक को इंक्रीज ही किया है। पब्लिक की होल्डिंग घटती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ से FII ने अच्छा खासा माल जो बेचा है मार्केट में, वो किसने खरीदा है, वो पब्लिक ने खरीदा है। तो ये तो हो गया फंडामेंटली पार्ट, अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकली पार्ट को। तो टेक्निकली पार्ट देखा जाए तो यहाँ से एक आपको क्लियर कट ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, यानी 619 रुपए से नीचे का स्टॉक स्टॉप अगर गिरता स्टॉक गिरता है तो इसको क्लियर कट हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। टारगेट का अगर देखा जाए तो टारगेट सॉरी रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो स्टॉक में फर्स्ट रेजिस्टेंस क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है, और ये सभी पुराने ही लेवल्स हैं। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 3 4 कैंडलों ने लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया है, और यही इसका फिलहाल 690 रुपए से ऊपर अगर निकलता है, 700 रुपए के आसपास स्टॉक की अगर क्लोजिंग होती है और अच्छी खासी क्लोजिंग होती है, तो इस स्टॉक में हमें अगले टारगेट के लिए 800 रुपए के आसपास के लिए जाता हुआ स्टॉक देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक में, देखिए एक डेड कैट बाउंस दिखाया था, और लगातार यहाँ से देखा जाए तो 657 रुपए से स्टॉक ने 1,000 रुपए तक के लेवल्स को पार किया था। यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस था, तो मुझे लग रहा है कि एक बार अगर इसको क्रॉस कर जाए तो फिर यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको पार करेगा तब इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको इतनी आसानी से पार स्टॉक नहीं करने वाला है,
क्योंकि लोग अब थोड़े से अडानी के स्टॉक में कॉशियस हो गए हैं, डेफिनेटली काफी कॉशियस हैं इसी वजह से, क्योंकि इस स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉशियस है। तो जब तक क्लियर कट कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक इन स्टॉकों में जाने से आप लोग थोड़ा सा चाहे तो बच सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या व्यू अडानी टोटल गैस को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और उस हिसाब से भी मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे उन पर रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।